मुंगेर सदर प्रखंड का यह टीकारामपुर गांव, जो 15 दिन पहले पूरी तरीके से बाढ़ के चपेट में था। यहां पर 4 वर्ष का एक बच्चा जो उसी बाढ़ के पानी में डूब जाता है, किसी तरीके से उनके माता और फिर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। हालांकि उसमें काफी परेशानी हुई थी, लेकिन बच्चा आज बिल्कुल अच्छे स्थिति में है। उनके माता पिता आज हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर बाढ़ के समय किस तरीके की परेशानी होती है और उनको जो हुई है वो किस तरीके का महसूस कर रहे थे। बबीता देवी ते गए हैं पानी लाने, इसका पापा बस वो चल गया पीछे से, मैंने देखा तो बस पानी लाने गया, बस रोड पापा पानी में गिर गया, तो बस धरती धर लिया, तो पीछे घूम के देखा तो नहीं नूनू था, बस खोजने लगा पानी में, तब निकाला पानी से ते आँख तो अपनी पुर दिया, एकदम नप हो गया। फिर वो रहे थे घर में पूरा एकदम कैसान माहौल हो गया, एकदम बच्चा हाथ से बाहर हो गया था पानी में, वो बच्चा गिर गया बच्चा तो धरती धर लिया तो हम लोग छटपटा रहे, चिकर रहे, बच्चा के पते नहीं है। फिर उसका पापा जैसे हथुरिया मारा पानी में, तो बच्चा के जो है निकाला भर पंजा, तो बच्चा कैसू न करता है, एकदम लुरभुर करता है, आँख तक खोलवे न करता है। फिर चंडी स्थान ले गए उसको, डॉक्टर पास दिखाए फिर ले कर सदर ले गए, वहाँ 2 दिन भर्ती रखा। उसके बाद जो है बच्चा मेरा हाथ में आया, सहूलियत में आया, तो फिर छोड़ दिया। अभी मेरा बच्चा सही है, लेकिन उस वक्त मेरा परिवार पूरा इतना रोए कि आत्मा जानता है क्या बतावे। के पिता मौजूद हैं जो इस मंजर को अपनी आंखों से देखे थे और उन्हें क्या स्थिति उस समय क्या थी, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि वह स्थिति काफी भयावह रही होगी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मंटू कुमार है। कोई व्यवस्था नहीं था, हम लोग पानी में ही हम लोग हेल के लेके गए उसको, ज़्यादा ये था, बहुत ये हो गया था, हम लोग का काम धंधा फलना चिलना सब बंद हो गया था, घर में पूरा परेशानी चल रहा था। बाढ़ के बाद की स्थिति जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ वह लोगों के लिए काफ़ी दयनीय हो सकता है, क्योंकि इसी सीढ़ी से ये पूरा, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये पूरा बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था। एक वक्त आज से करीब 10 दिन पहले यहाँ पर कमर से ज़्यादा ऊपर तक पानी था, तो लोग जो है अपने बच्चों को लेकर इसी सीढ़ी के सहारे, बांस के सहारे ऊपर जाते थे। और आप देख सकते हैं, मैं आपको ऊपर भी लेकर चलूंगा, अभी दिखाऊंगा किस तरीके से लोग ऊपर चढ़ते थे और कितने कष्ट में जो है वह जीते थे। रहे हैं तंबू देख रहे हैं, लगभग 1 महीना इन लोगों ने इसी तिरपाल के अंदर अपना जीवन यापन किया था। छोटे छोटे बच्चे थे जो इसी तिरपाल के अंदर रहते थे, बारिश होती थी तो किसी तरीके से ढक कर खुद को रखना पड़ता था। तीन दिन तक भूखल रहिए ऊपर में, ऐसे ना भूखे रहिए 3 दिन पर वहाँ तक, अब भूखल प्यासल रही, तब जाके ऐसे ना रह जे बारिश पड़े तो बारिश में कहीं खाना बनवा सकली, नहीं बनवा सकली, ठारो हो चूल्हे में पानी चल जाए, चूल्हे बुताए जाए रहे पानी से, लोही में पानी चल जाए रहे, कुछ खानो पीनो नहीं बने रहे कुछ कहीं नहीं। 3 दिन तक ऐसे ना रह गए बिना अन्न बिना पानी के।